अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल साइबर ठगी के लिए रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। साइबर ठग अब फेसबुक के सहारे ठगी कर रहे हैं, मार्मिक संदेश देकर गूगल पे, पेटीएम व अन्य ऐप के जरिए पैसे मांग रहे हैं। ये कुछ इस तरह हो रहा है कि मेरी माँ अस्पताल में है, तुरंत 10,000 की जरूरत है, जल्दी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी, बस आप दोस्ती की खातिर ये रकम दे देते हैं। दरअसल साइबर अपराधियों ने नया ट्रेंड अपनाया है। आपके दोस्त का फेसबुक मैसेंजर हैक होगा, इमोशनल संदेश भेजकर आपके दोस्त के मैसेंजर से एक मैसेज आएगा जिसमें वो भावनात्मक बातें करके आपको द्रवित करेगा और आपसे पैसे की डिमांड करेगा। पर ये जान लें, ये आपका दोस्त नहीं बल्कि साइबर अपराधी है, उसने आपके दोस्त का फेसबुक मैसेंजर हैक किया है। साइबर सेल के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिसमें मैसेंजर को हैक करके लोगों से पैसे मांगे गए। मैसेंजर फ्रॉड के शिकार में तमाम अधिकारी भी शामिल हैं। साइबर क्राइम सेल के एसीपी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने ठगी का ये नया तरीका अपनाया है। फेसबुक प्रोफाइल से आपका फोटो डाउनलोड करके एक न्यू प्रोफाइल बना दी जाती है, उसमें उन्हीं लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो आपकी वास्तविक प्रोफाइल में है, जिसे लोग आपकी प्रोफाइल समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद फेसबुक मैसेंजर हैक कर पर्सनल चैट में कहा जाता है कि मेरी माँ बीमार है या संबंधी का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत इस नंबर पर कुछ पैसे भेज, जिसके बाद लोग भावुक होकर अपने साथी की मदद के लिए पैसे भी भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो अगर आपके पास भी मैसेंजर के जरिए कोई पैसा मांगता है तो सावधान हो जाइए, यह आपका दोस्त नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड हो सकता है।